हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीके द्विवेदी और आज सेट थ्योरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट वन हमने देखा था कि वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। आज पार्ट टू स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक सबसेट, पावर सेट, नल सेट, है ना, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो एटीसी में एटीसी ने अब तक जिसको टच किया है या हमें लगता है जिसको आगे वो टच कर सकते हैं उन्हें मैंने इस पार्ट में हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, और हमने इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ नीचे लिंक में आप चेक कर लो अटैच कर दिया है, नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेट के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट का डेफिनेशन होता है इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेल डिफाइंड मतलब क्या ना कि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। दैट इज We should clear about that is a particular element X, एक particular element X, मान लो set A है, उससे belong करता है या वो element इस set से belong नहीं करता है, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए। अगर इसमें इसके इन दोनों statement के लिए बिल्कुल clear है कि एक particular element हमें दे दिया कोई, अगर मैं उसको clearly state कर सकता हूं कि वो एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो या तो उसको बोलेंगे सेट। अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप उसको देख लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, पहला ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब मान लो यहाँ पर मैं 1000, 2000 राइटर्स का नाम लिख दिया। अब उसमें एक कोई पर्टिकुलर बंदा को पिक किया है ना, और मैं बोला कि ये जो है इस सेट का मेंबर है ना? तो देखो राइटर्स जो होते हैं वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। कोई राइटर मुझे अच्छा लगता है, किसी को वर्स्ट लगता है, किसी को कोई राइटर जो मुझे वर्स्ट लगता है किसी को बहुत बढ़िया लगता है, तो यहां पर झगड़ा हो जाएगा है ना। क्लियर नहीं, हियर सेट इज नॉट वेल डिफाइंड है ना। तो इस पहले सेट को हम सेट नहीं बोल सकते, पहले कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर हम किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में एकदम क्लियर नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये मोस्ट टैलेंटेड है ना, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलते। सेट वैसा से कलेक्शन को बोलते हैं जो सब बंदा एक चीज पे एग्री हो 100%। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड, 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो फिर से 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मेरे को मान लो कोहली अच्छा लगता है, किसी को धोनी अच्छा लगता है, किसी को क्रिस गेल अच्छा लगता है, तो फिर यहाँ पर 11 में ना कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है ना, यहाँ पर फिर झगड़ा का विषय है। तो ऐसे सेट को हम लोग, ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि 4 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, नहीं यार, सबका आंसर होगा कि हाँ बिलोंग करता है, यस इट बिलोंग्स टू दिस सेट। मैं बोलूंगा -5, डेफिनेटली दिस डू नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऐसे कलेक्शन को सेट बोलेंगे। फोर्थ इज द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अब सेट के चैप्टर का क्वेश्चन कोई है या नहीं है, तो इसमें तो हम लोग क्वाइट क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया बोलेगा ये सेट का है नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना कोई बंदा बोलेगा कि सेट का है, कोई बोलेगा ये सेट का नहीं है। नहीं, सेट का है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकते। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों जो है ये हमारा सेट है। ठीक है, इसमें तो क्लियर है, हमने सेट के डेफिनेशन को एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नल सेट। सेकेंड टॉपिक जो मैंने एटीसी को टच करते देखा है वो है नल सेट। नल सेट समझते हैं, वैसा सेट सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक भी मेंबर नहीं है, तो उसको नल सेट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं आइदर फाई और इस तरह के सिंबल्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नल सेट इज जीरो, ऑलवेज जीरो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नल सेट को समझने के लिए, जो एटीसी में ऑलरेडी आया हुआ है,
आपको आपके स्क्रीन पे विजिबल है, क्या है क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट? चार ऑप्शंस गिवन है ना, उनमें से कौन नल सेट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम। अब प्राइम नंबर बहुत सारे हैं, 2, 3, 5, 7 इस तरह से। ये तो नल सेट है, इसमें मेंबर है जहां कोई भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, बी में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स। बी में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 8। ऐसा कोई एक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 8 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसमें एक एलिमेंट है बी, इसमें एक एलिमेंट है 0। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बी 0 आ रहा है, 0 नल सेट, 0 मतलब नल सेट। नहीं नहीं, नल सेट का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एलिमेंट है विच इज 0, जीरो नल नहीं है, जीरो तो कोई है ना, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। थर्ड ऑप्शन एग्जामिन कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 लाना है, अब इसको सॉल्व करोगे है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, और हमें साथ में बोल दिया एक्स रियल नंबर है, तो नहीं, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से वो नेगेटिव आ जाए ना, ये कॉम्प्लेक्स में होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो दिस इज अ नल सेट, थर्ड वन इज नल सेट। फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2। तो ये एक्स इंटीजर, हाँ दोनों इंटीजर है, तो ये भी नल सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नल सेट पे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है, देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट? तो हमने सीखा है कि फाइव से डिनोट कर दिया नल सेट को, ऐसे भी डिनोट कर दिया नल सेट को, दोनों करेक्ट है। तीसरा जीरो, फिर मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जीरो इज नॉट अ नल। वैसे भी ये सेट है नहीं, सेट मतलब कर्ली ब्रेसेस से घिरा होना चाहिए, तो ये नल सेट नहीं है। क्या कर्ली ब्रेसेस में जीरो डाल दिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। जीरो मतलब कोई नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं। यहाँ आप कोई ये मत समझे कि नल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो जीरो होता है, नहीं नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, दैट इज 0, दिस इज नॉट अ नल सेट। यहाँ भी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, दैट इज 5, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ नल सेट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नल सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको स्क्रीन पर विजिबल है क्वेश्चन। Which of the following are example of null set? First option, set of natural numbers divisible by 2, बहुत सारे हैं, कमी नहीं है इसका। Second, set of even prime, वो ऐसा number जो even भी है prime भी है, एक ही number ऐसा जो even भी है prime है, 2, एक बंद एक element आ गया, किसी again not the null set। Next ले रहा है x such that x is a natural number and x is greater than 5 and less than 7. कौन सा natural number है जो 5 से greater है और 7 से smaller है? 6। तो यहाँ भी एक element आ गया। Next है y is a point common between two parallel lines। अब दो parallel lines हैं, इनके बीच में अगर वो lines parallel है तो इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, तो वाई इज अ पॉइंट कॉमन बिटवीन, नहीं इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, तो फोर्थ वन इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। कोई ऐसा मत समझना कि ये लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर वैसा उनको बोलना होगा तो देव वो आपको क्लियरली बताएंगे ना, कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पैरेलल लाइन मतलब समझ रहे हैं कि दोनों लाइन अलग अलग है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमें एटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है वो लगता है सबसेट, क्योंकि सबसेट से पहले भी एटीसी में क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो प्रोबेबल क्वेश्चन मुझे लगा कि वो पूछे जा सकते हैं उसके आसपास, मैंने उसमें उन क्वेश्चन को टच किया है। सबसे पहले सबसेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, सबसेट का सिंबल होता है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी को बोला जाता है इसमें ए का सुपरसेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और आगे
क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, देख लीजिए। क्वेश्चन है, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, इसका क्या मतलब है? चार ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी को दोनों को मिलाया और ए आ गया, इसका मतलब बी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, ए से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, इसका मतलब 100% गारंटी है कि बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का, है? तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टू। फर्स्ट ऑप्शन ए सबसेट ऑफ बी, नहीं यार, ए सबसेट ऑफ बी होना कोई जरूरी नहीं, ए में एक्स्ट्रा भी हो सकता था, लाइक 1 2 3 4, और ए हो गया और बी हो सकता था 1 2 हो, तो बी ए सबसेट ऑफ बी का कोई गारंटी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है बी जो होता ना बी वो 1 2 3 4 भी हो सकता था, इस हालत में भी ए यूनियन बी आपका ए ही आता है, या ए और बी सेम है तो या तो ए लिखो या बी लिखो, तो थर्ड का गारंटी नहीं है। फोर्थ नन ऑफ दिस, नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक और छोटा सा पॉइंट, अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, एंड बी सबसेट है ए का, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में है, इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों सेम सेट, दोनों एग्जैक्टली सेम है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट ए में, इसका मतलब क्या? ए इक्वल टू बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दिस मीन्स ए इक्वल टू बी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए इक्वल टू 3m, m belongs to natural number, दूसरा सेट b है 3 to the power n, n belongs to natural number, और हमारे पास चार ऑप्शन है, ये किसी और एग्जामिनेशन ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ATC का नहीं है। a subset of b, b subset of a, a equal to b and a union b equal to n। अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करो, इसमें ना m का वैल्यू रख के इसको ओपन कर लो, m का वैल्यू नेचुरल नंबर है, 1 से रखते हैं, m इक्वल टू 1 रखा, 3, 2 रखा 6, 3 रखा 9, 12 एंड सो ऑन। b 1 रखा, 3 का स्क्वायर 2 रखा, 3 का स्क्वायर 3 रखा, क्लियरली विजिबल है ये सारा एलिमेंट तो उसमें है नहीं, क्या 3 है इसमें? हाँ। क्या 9 है इसमें? हाँ। क्या 27 आएगा? हाँ, m का वैल्यू 9 रखेंगे 27 आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, b का सारा एलिमेंट इसमें होगा लेकिन a का सारा एलिमेंट b में नहीं होगा, इसका मतलब b is सबसेट ऑफ a। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर b। चलिए तो एक ATC में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसेट का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए सेट b टू बी ए सबसेट ऑफ a, सेट b सबसेट ऑफ ए हो जाए, उसके नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, क्या हो सकता है? अब सोचो ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, इसका मतलब ए और बी को मिलाया, सॉरी ए है, ए और बी को मिलाया और ए आ गया, इसका क्या मतलब है? कि बी में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, ए से ज्यादा नहीं हो सकता, ए के इक्वल हो सकता है लेकिन ए से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मिलाने पे ए ही आ रहा है, इसका मतलब 100% गारंटेड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, और भी कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं सबसेट से रिलेटेड। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, हर सेट अपना सबसेट खुद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए
आपको पता है 2 का पावर m, ठीक है। मान लो एग्जांपल, अगर मान लो हमें बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट जाएगा आपका 2 to the power 4 = 16। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर जैसे मान लीजिए किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 का पावर m, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है, 2 का पावर m-1 होता है इसका, एक कम होता है उससे, मतलब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का मतलब है वो सेट को छोड़ के, है ना, किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, तो हर सेट अपना सबसेट खुद होता है, लेकिन बोला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मतलब हमें उस सेट को इंक्लूड नहीं करना उसमें, तो 2 to the power m-1 हो जाएगा, उस सेट को छोड़ देना। जैसे बोल देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज ए इज 4, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 का पावर 4-1 विच इज 15। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए उसको। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट कैन बी, अब किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट क्या हो सकते हैं, सिर्फ इवन होंगे हमेशा या ऑड होंगे हमेशा, या इवन और ऑड या नन ऑफ दिस। तो ये 2 का पावर, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 का पावर m होता है, इसको देख के लोग बताते हैं कि ये हमेशा इवन होगा, नहीं ये ऑड भी हो सकता है, एक केस में, एक एक्सेप्शन उसका, अगर m का वैल्यू 0 रख दो, m का वैल्यू 0 रख दो तो आंसर क्या आएगा, 1, मतलब एक ऑड नंबर है। तो 0 किस सेट में, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नल सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ नल सेट कितने होंगे, वो खुद होगा बस एक, तो 1 हो जाएगा, है ना। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, उस केस में भी नल ही आएगा। तो फाई एक ऐसा सेट है जिसका एक ही सबसेट होता है, वो खुद होता है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑड नंबर मिलता है, बाकी हर जगह 2 का पावर m है तो इवन आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इवन और ऑड। ओके, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट दे दिया, मान लो हमें कभी कभी दे देता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट दे देता है, इफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन एलिमेंट, मान लो हमें एन दे दिया, बोला फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, मैं बोला उस सेट में कितने एलिमेंट्स है वो बताओ, तो सिंपली इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं log n to the base 2, और सिंपली आप ऐसे सोचो 2 का पावर क्या करें कि n आ जाए, 2 का पावर क्या करें कि n आ जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर विजिबल है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ए गिवन सेट इज 32, द फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, अब उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 32, तो मैं बोला 2 का पावर क्या करें कि 32 आ जाए, तो 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 5। मान लो हमें बोल देता नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन अ सेट इज 127, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन अ सेट इज 127, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, प्रॉपर सबसेट में मतलब क्या, एक माइनस करके दिया होगा तो मैं इसमें एक ऐड कर देता हूं, 127 + 1 = 128, अब 2 का पावर क्या करें कि 128 आ जाए, तो आप 2 का पावर 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 128, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 7। ओके, तो सबसेट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ मैंने एक सेट लिख रखा है a = 1 2 3 4, ए में 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इसमें बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, है ना, सिर्फ 2 एलिमेंट्स वाले हमें कितने सबसेट्स होंगे, लाइक 2 एलिमेंट्स वाले क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 1, 3, इस तरीके से 2, 3, 2, 4, इस तरीके से।
तो मैंने कम एलिमेंट्स लिए हैं, तो मान लो इस तरह से आप लिख भी लोगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए डायरेक्ट ना आप एनसीआर का फॉर्मूला लगाओ, एनसीआर है ना, एन सी आर, एन चूज आर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा इसको, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये कब यूज होता है, जब हमें हमारे पास टोटल n डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसमें से r हमें सेलेक्ट करना होता है, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और हमें चूज कितना करना है, 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 4C2 डायरेक्ट। अगर 9 एलिमेंट्स है कोई फर्क नहीं पड़ता, 9C2 कर दो, है ना, बार बार सारे एलिमेंट्स लिखने का जरूरत नहीं है। अब 4C2 क्या होगा, या तो अभी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, या इसका शॉर्टकट है 4C2 कैलकुलेट करने का, आप क्या करो, 2 है ना नीचे, ये 2 है, इसको 1 × 2 लिख दो, और नीचे 2 एलिमेंट्स है तो 4 को ना 2 बार डाउन करो, 4 6 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 सबसेट हो जाएंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स आने होंगे, ठीक है। मान लो इसी तरीके से, मान लो कोई बोल देता कि एक सेट ए है जिसमें 9 एलिमेंट्स है, है ना, 9 एलिमेंट्स है, और हमें 3 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है ना, सबसेट में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने बनेंगे, 9C3। या तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, या मैंने शॉर्टकट बताया क्या करना है, 3 है ना, 1 × 2 × 3, अब 9 को 3 टाइम डाउन कर दो, 9 एक बार और डाउन करो, 8 7, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर 384, ठीक है। मान लो इसी में, इसी सेट में अगर मान लो हमारे पास बोलता है नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो क्या होता है, 4C, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4C3 को 4C1 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि तो फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NC, इन दोनों का सबट्रैक्शन, इस नंबर को छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये हमेशा छोटा होना चाहिए तभी ये ट्रिक जल्दी काम करता है, 4C1, नीचे 1 है, नीचे 1 लिखा, 4 को कितनी बार डाउन करना, एक ही बार, आंसर इज 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4, ओके। और क्या चेंजेस कर सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन सबसेट में ले सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, अब हमें बोल दिया कि कितने ऐसे सबसेट हैं जिसमें 2 एज एलिमेंट्स होना चाहिए, नॉट 2 एलिमेंट्स, 2 एज एलिमेंट्स होना चाहिए, लाइक 1 2 3 चलेगा, 2 चलेगा है ना, 2 3 चलेगा, मतलब हर में 2 होना मस्ट है, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को लिखने के लिए हम सारा लिखेंगे नहीं। अब क्या करो, 2 चाहिए ना, 2 चाहिए तो 2 को हटा दो, 2 को ऊपर रख लिया, बैठा लिया, अभी सेट में क्या बच गया, 1 3 4, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट आर पॉसिबल यूजिंग दीज एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है, 2 का पावर 3, 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 8 सबसेट्स हो सकते हैं। अब 8 सबसेट्स बने हैं किसके, 1 3 4, लाइक 1 5 भी बना होगा, 1 3, इस तरीके से 8 बन गए, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, हर में 2 होना चाहिए, अब सब मिला के 2 रख दो, है ना, तो कितने हो जाएंगे, यही 8 है, यही 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स हैं जिसमें 2 प्रेजेंट हैं। जब ये बोले कि ये एलिमेंट्स होना ही चाहिए, तो आप उसको बाहर कर लो, रिमेनिंग एलिमेंट्स का सबसेट बना लो, अब जितने सबसेट हैं सब में 2 रख देंगे, तो ये सारे ऐसे सबसेट्स हैं इसके जिसमें 2 है। अब मान लो क्वेश्चन और भी थोड़ा टफ बनाते हैं, क्या करेगा, बोलेगा कि वन शुड नॉट प्रेजेंट, ऐसे सबसेट्स बताओ जिसमें 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एंड 2 शुड प्रेजेंट, 1 होना ही नहीं चाहिए और 2 होना चाहिए 100%, लाइक 2 3 है ना, 1 कहीं दिखना नहीं चाहिए, तो अब उस हालत में क्या करो, जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए दोनों को हटा दो, 1 2 दोनों को हटा दो, क्या बच गया मेरे पास, 3 4, इसके कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स हो जाएंगे, 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 का पावर 2, कितने हो जाएंगे, 4 सबसेट्स हो गए। अब इसके अंदर मान लो इसके 4 सबसेट्स हो गया, एक 5 भी हो गया, एक 3 भी हो गया, एक 3 4 हो गया, ऐसे 4 बहुत सारे सबसेट हो गए।
अब क्या बोला, वन नहीं होना चाहिए, तो वन तो कहीं है ही नहीं, टू होना चाहिए, तो सब में एक्स्ट्रा टू ऐड कर दो, तो जितना इसका आंसर था उतना ही आंसर हो जाएगा, है ना, उसमें बस टू ऐड कर देना है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फोर। जितने एलिमेंट्स बोले होने चाहिए उनको साइड कर दो, नहीं होने चाहिए उसको भी साइड कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स का नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें एटीसी के लिए इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है पावर सेट। इन्होंने टच नहीं किया लेकिन सबसेट को टच किया, तो पावर सेट को भी टच करने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो पावर सेट होता क्या, मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए का डेफिनेशन है, सभी को पता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सारे सबसेट का कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, उनके सबसेट से एक सेट बना वही उसका पावर सेट हो जाएगा। लाइक मैं इसका सारा सबसेट लिखना चाहता हूँ, जीरो एलिमेंट्स वाला सबसेट 5, वन एलिमेंट वाला सबसेट 1 2 3, टू एलिमेंट्स वाले सबसेट 1 2 1 3 और 2 3, थ्री एलिमेंट्स वाले सबसेट 1 2, और ये सारा सबसेट हमने लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो उसके सारे सबसेट को लिखो और उसका एक सेट बना दो, वही होता है पावर सेट ऑफ ए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको क्या हो सकता है, पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मुझे बोल दिया कि ए में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो होता क्या है पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने सबसेट्स उतने एलिमेंट्स पावर सेट में। तो अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 का पावर 3, मान लो ऐसा बोल दिया ए में 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, क्या करो इसको ढक दो, पावर सेट ऑफ सम सेट, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो कहां से पता चलेगा, यहां से, अगर ए में 3 है तो पावर सेट ऑफ ए में 2 का पावर 8 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए, तो इस सेट में 8 एलिमेंट्स है, तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे, 2 का पावर 8, तो उतने ही इस पावर सेट ऑफ ए में उतने ही मेंबर्स हो जाएंगे, 2 का पावर 8 व्हिच इज 256। एक और लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर जो आया था 256। अब डायरेक्टली पूछ लिया तो क्या करोगे, देखो क्या करना, डायरेक्टली 2 का पावर, सबसे पहले यहां शुरू करो, ए में 3 एलिमेंट्स, पावर सेट ऑफ ए में 2 का पावर 3, फिर यहां पे आ जाओ, इसके नीचे एक 2 लगा दो, फिर यहां आ जाओ, इसके नीचे एक 2 लगा दो, यही आंसर हो जाएगा, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 8 256। जितना पी है आप इधर करो, फिर ऐसा कैलकुलेट करो 2 का पावर 3, उसके नीचे उतना 2 लगाते जाओ और हर को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते रहो, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, इस तरह से आपका एलिमेंट्स निकल जाए। इस टॉपिक में एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, डेट इज रिवर्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बोल दिया कि पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट आपसे पूछा और सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ए आपको गिवन होगा और वो आपसे पूछ लेगा। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए हमें बोल दिया पावर सेट ऑफ ए में 8 एलिमेंट्स हैं, तो बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितना होगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो 8 है ना इसको 2 के पावर में लिख दो 3, ये जो पावर आया ना यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। जैसे मान लो बोलिए पावर सेट ऑफ ए, इसमें हमें एलिमेंट्स वो बता दिया कितना 16, बोला कितने एलिमेंट्स थे ए में, कोई बात नहीं 16 को लिख सकते 2 का पावर 4, एक दो बार पावर सेट है, फर्दर 4 को ब्रेक करो
टू का पावर टू, यही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ थ्री था तो दो बार टू का पावर टू का पावर लिखा, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा टू। मान लो मैं बोल दिया तीन बार पावर सेट लगा दिया, टू का पावर 16 बोल दिया इसमें, बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताओ, कितने पावर सेट है, तीन बार पी है, तो तीन बार इसको हम लोग पावर में ब्रेक करेंगे। 16 को लिख सकते हैं टू का पावर फोर, फोर को लिख सकते टू का पावर टू, है ना, तीन बार हमने ब्रेक कर लिया, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज टू, है ना। जितना बार जितना पी लगाया उतना बार आप उसको ब्रेक करते रहो और आपका आंसर आ जाएगा। एक और टॉपिक हमें लगता है जो एटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें अभी एटीसी ने टच नहीं किया लेकिन काफी चांसेस लगता है कि वो जल्दी इसको टच करेंगे। कि अगर मैं बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना। ए में ले लो 1 2 3 4 अप टू 9, बी में एबीसीडी ले लो, यूनियन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे 14 एलिमेंट्स। मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम होंगे मतलब एक भी सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो जाए, मतलब ये इसमें जो बी में 5 एलिमेंट्स है सारे के सारे ए में प्रेजेंट हो, तो एक भी एलिमेंट बढ़ेगा नहीं ए में और ये हो जाएगा 9, तो मिनिमम हो जाएगा 9, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होता है इन दोनों का सम, मिनिमम क्या होता है जो बड़ा सेट है वो। अब ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स ही कॉमन हो सकते, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। मान लिए इसमें बी में जो 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी के सभी कॉमन ही है तो 5 हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट्स कुछ भी कॉमन ना हो। एक छोटा सा लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, उसको देख लेते हैं, ये भी किसी ऑप्शन में दे दिया तो आप इसको समझ लो क्या डी मॉर्गन्स लॉ। अगर कहीं हमें दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बार, तो क्या करना आपको, इंडिविजुअल सेट का बार ले लो, तो अगर यहाँ यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन लिख दो, अगर इंटरसेक्शन ना था तो बीच में यूनियन लिख दो। लाइक हम सेकंड ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन बी का बार, इंडिविजुअल सेट का बार लिख दो, बीच में इंटरसेक्शन है इसको यूनियन लिख दो। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, जस्ट मैं ऐसे ही टच कर दिया इस पोर्शन को जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इसको मोर देन वन सेट्स के लिए भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर थ्री सेट्स है तो हर सेट्स का इंडिविजुअल करके हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके चलिए ठीक है।